हाँ जी सत श्री अकाल जी, होर सुनाओ की हाल चाल। आप तुहानू पता दिल्ली एग्जीबिशन से आए हुए थे, इन्हें हाई कोर्ट वालों जो वार्डरोब की असैसरीज आई जी तुम देख रहे हैं ना, तो ये बारे तुम अब आप इनफॉर्मेशन देवे की लगा वा कि चीज़ नवी आई आ और किन्ने कलर्स है के सारा कुछ तुम दिखा। वीडियो चंगी लगी शेयर जरूर कर दो, अपने चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहलो सब तो स्टार्टिंग आप दिखाने जी ये आया जी इन्हों का शूज़ रैक है ना, ये इस साइड भी यूज़ करते प्लस मोबाइल दोनों साइड, ये साइड भी जिदा ये इधर रखा तो ये थले इधर रखा तो तुम दोनों पासे मूव करके आप यूज कर सकते हैं ना। तो जे अगे गल करते जी आज एक मिरर है ना, जिदा तुम देखते हैं कि ज़्यादातर की होंगे कि मिरर अलमारी के स्पेस नहीं होंगी मिरर लगा की, तो वो की आ ये अपने लिए एक सैपरेट मतलब अलग तो एक मिरर आप लगा सकते जिहड़ा तुम मतलब यूज कर सकते हैं ना। तो थले है जी एक हैंगर, ये अपनी शर्ट और वगैरह पेंट वगैरह प्रेस करके वधिया ईजीली रख सकते। ये सारी जी सैसरी है वार्डरोब ना जो अलमारियाँ कपड़े अलमारियाँ कह सकते वो रिलेटेड है। तो इधर है जी इतने रैक बनया हो जब अपना पेंट्री सिस्टम होंगे, देखो पूरा पूरा पेंट्री सिस्टम वागू है, साइड से बास्कट से लगी हुई है और प्लस तुम ये विद जी असैसरी है भी टोटल जी विद मैट आ रही है और सेम कलर जिहड़े जी जिनी भी सारी इको कलर दिखते। ये आ गई सेफ तो ये एक है जी इन्हों का जरा जिद आप टाई वगैरह अपनी जो भी आ टंग सकते ना इतने। तो फिर अगे गल करते अपने ये आ जी वार्डरोब की असैसरी जो थोड़ी निके ज्वेलरी वगैरह होंगी जी निकी है जो सारी रख सकते ना, कुछ स्पेस है कि कुछ ये रख सकते हैं। काफ़ी वधिया मतलब असैसरी जी लेटैसट आई है जी, ये पार्टीशन थोड़ी बनी होती ज्वैलरी वास्ते तुम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ये रख सकते हैं ना। ये जी बास्केट जिदा अपने पुलआउट बास्केट है दो, ये भी तुम आप वार्डरोब लगवा सकते हैं। जे गल करिए इन्हों के बास्केट के साइज मोस्टली सारिया 9 mm 900 mm के आँदी है जी, उन्नी एयरपोर्ट 3 फुट के कह सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड साइज आता, क्योंकि बास्केट को अपन कट वट नहीं कर सकते। ये प्रोपर जो तुम अपने वार्डरोब लगानी है पहले तो बाय करनिया पैनगे, बाय कन्फर्म करो प्रोपर ये लगवा सकते। आने वाले समय से वेखोगे जॉल किचन वालों भी वार्डरोब बनाए जाएंगे और सेम सैसरी तुम अपनी वीडियो ऑलरेडी देखोगे है ना। चलो अगे जे आप अगे गल करते उपर सेम हाई गोल्ड के जो उपर लगे हुए है, इनू आप हैंगर कह दें है ना, ये एक्सैसरी है। ये वैसे असं नॉर्मल पहले पाइप पा के बना दें बट ये एडजस्टमेंट वाली एक वधिया लग्जरी लुक देने बनी हुई है ना। तो थले सेम क्लॉस वाली, तो इस तो अगे आ जाता जी सेम उ हैंगर देखोगे जो लगे हुए ये लिफ्ट हैंगर वाली जिद आप मतलब इनू तुम हैंगर इतने टंग के तो थले कर सकते हो, ईजी यूज आ। कल की होंगे कई बार हाइट घट होंगी आ हैंगर या कोट आप टंगना वो ला नहीं सकते, इसलिए तुम इनू थले खिचो तो वधिया तुम इनू ईजीली यूज कर सकते। ये सारे मोस्टली हाई कोट ब्रांड की ये है जी, सेफ इन्हों की ये सेफ आपके अकॉर्डिंग पासवर्ड कर सकते, सेफ भी आ रही है ना जिसे अपने जो भी माल रोकड़ा या पैसे जिन्होंने कह सकते वो रख सकते है ना, लभ ला गया कुछ कि नहीं। ये जी तुम छोटी छोटी स्लैब्स है जिदा ये अलमारी के भी चीज़ लगवा सकते ना, ये नाल प्लस निके निके छोटी स्लैब नाल प्लस हैंगर है, तो ये उपर जो हैंगर वास्ते है ये स्लैब्स ये टोटल आ गया। तो फिर जो थले की गल करिए जी हैगी ग्लास के मैं पता नहीं ये इन्होंने की रखे वा बट वधिया वा, ये सेम उ जी तुम ये जिहड़ियां बास्केट मोस्टली ज़्यादातर तुम्हें देखने सेम लगी बट अलग अलग पार्टीशन हैगी आ, तुम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिदा तुम देखो जो ज्वेलरी वास्ते आ जो गहने आपके होंगे जो सारे रख सकते वी है ना। सेम थले बास्केट जी है तुम देख रहे हो ना, और जे अगे की गल करिए सेम वो ट्राई वाला कंसैप्ट है, तो जो उ पाइप वाला ये कलर ऑप्शन है जो बिल्ट रखी हुई है कलर ऑप्शन है जो पहले देख रहे हो अलग कलर से अलग कलर है ना, कलर ऑप्शन के भी ये अवेलेबल है सेम साइज और ये फिर सेम साइज जो अपना शूज रैक आ गया है ना। चलो चलते अगे, फिर ये तो आ गया जी एक अलग कलर, फिर इस तो अगे ये अलग कलर ये उस तो भी अलग है वा, यदि जी लुक थोड़ी देखने होर वधिया जो लग्जरी आनी मतलब ये सेम है चूज रहेगा एक्सेसरी मोस्टली है सारी सेम है बट वो कलर ऑप्शन थानू अवेलेबल हैगा। ये आने वाले समय के देखोगे अपने मतलब वार्डरोब के लगे चीज़ा, तो जे थोड़े वार्डरोब कॉर्नर वाली स्पेस हैगी तो यूज कर सकते।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਗਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਜਸਟ ਕਲਰ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋ ਵਾਰਡਰੋਬ ਆ ਦੇਖ ਅਸੈਸਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਉਹ ਜਸਟ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੇ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਟਾਂਕੇ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਇਹ ਸੇਫ ਸੇਮ ਆ ਸੇਫ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬਸ ਜਸਟ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਬਾਸਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਡਰੋਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਰੋਬ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡਰੋਬ ਵੀ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਅਸੈਸਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।